हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग। चलो आज हम आपको मुर्गे दिखाएंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर मुर्गे हैं, एक ये वाइट कलर का मुर्गा है और इसके साथ मुर्गी है, और ऊपर वाले रैक में एक नया मुर्गा आया ब्लैक कलर का, तो ये अब आपस में लड़ सकते हैं। वो वाला नया मुर्गा है, तो मैं यही देखना था कि क्या होता है इनके बीच। बहुत ही मस्त सीन होने वाला है। अगर इनके फाइट होती है ना तो बहुत ख़तरनाक लड़ते हैं ये। ये देखो आप, ये रहा, ये रहा, बिल्कुल ब्लैक है ये, और नीचे ये एक ब्लैक कलर की मुर्गी और वो वाइट वाला मुर्गा। तो गाइस सीन ये है कि मुर्गी है एक और मुर्गे हैं अब दो, और फाइट होगी बहुत ख़तरनाक वाली अगर ये बाहर निकलते हैं। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ये बाहर आए तो आपको दिखाया जाए कुछ इनके बारे में, क्या ये दोस्त बनते हैं या फिर लड़ते हैं। आपको बता देता हूँ भाई, गांव के मुर्गे हैं ना, अभी खून खराबा ना कर दें तो हमें देखना पड़ेगा बस कि एक दूसरे को मार ना दें। तो अभी नहीं निकलेंगे तो फिर मैं खुद ही इन्हें बाहर निकालूंगा। तो अभी वो वाइट वाला बाहर निकला अभी, क्योंकि ये यहीं रहता है बहुत टाइम से, और जो ब्लैक वाला है वो है नया, और ये वाइट वाला ऊपर देख रहा है अपनी गर्दन घुमा के। अभी आपको सीन दिखाता हूँ। तो ये देखो आप, इनके माइंड में यही चल रहा कि ये नया कौन आ गया। वो देखो, वो ब्लैक वाला भी बाहर मुंडी निकाल दी उसने भी, और ये वाइट वाला उसे देख रहा। तो अभी तक तो देखा देखी चल रही है इनकी आपस में ही। मेरे को डर लगता है इनसे, मुर्गों से सही में, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, इनके पंजे इतने बड़े बड़े पंजे होते हैं। अगर इनके फाइट होगी ना तब तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं तो मम्मा को बुलाऊँगा। अभी तक भी इनका देखा देखी चल रही है आपस में। बाहर आजा काले। तो ये काला बाहर नहीं आ रहा है और ये वाइट वाला नहीं। बनाओ एक दूसरे को दोस्त बनाओ। तो ये नीचे वाइट वाला वेट कर रहा है कि कब वो नीचे आए और उसके बाद मैं उसका स्वागत करूं। है तो वो भी काफ़ी तगड़ा। आजा बाहर आजा। वो तो वो फाइट शुरू होगी, नीचे वाले ने अटैक कर दिया पहले। ओ शिट, वो अंदर चले गए, वो भाग गया काला। काला भाग गया, वाइट वाला अंदर ही घुस गया था उसको मारने के लिए, और काला भाग गया। और मेरी मम्मी जा रही है उसको पकड़ने। देखो इसको, ये फिर से आ गया लड़ने, बना हुआ शिकारी। तो अभी वो उधर चले आगे, तो मुझे जाना पड़ेगा उसे पकड़ने के लिए, उसके बाद में बताता हूँ। तो अभी गांव के बच्चे भी आ गए हैं। बेसिकली ये पड़ोसियों का मुर्गा है ये काला वाला, तो उनका पास रखने के लिए जगह नहीं थी तो उन्होंने हमारे पास दे दिया। तो इधर ऊपर वाली साइड गया है वो देखो, वो भाग के गया भाई, क्या ही भाग रहा। अभी छोटे छोटे बच्चे इसे पकड़ेंगे, वो देखो कैसे पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है ये। पकड़ो तो इसे। ये क्या बनाया है तूने, ये क्या बनाया है? अड्डा दे रहा। पकड़, बहुत ही मुश्किल हो रहा है इसे पकड़ना। भाई मजाक नहीं भाई, उसने बहुत तंग कर दिया। अभी वो भाग गया है, नहीं पकड़ा जा रहा। मैं तो आ रहा हूँ वापस घर, और वो बाकी पकड़ रहे हैं उसे, कभी इधर भाग रहा कभी उधर भाग रहा, पूरा मतलब एकदम कॉमेडी सीन हो गया है। थोड़ा सा मस्ती अब बाजी पड़ चुकी है। वो दूसरे कहाँ पर, उनको अंदर बंद कर देते हैं। अभी सीन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, मुर्गा पकड़ने के लिए और भी बहुत सारे लोग आ गए भाई। वाह कसम, मज़े आ रहे हैं मज़े।
फाइनली अब वो पिंजरे के अंदर है, और ये प्लान सारा मेरा था कि इनके आपस में फाइट हो, मुझे ऐसा पता नहीं था कि ये भाग जाएगा। भाई इसने ऐसा भगाया है ना, सांस फूल गई है, मैं तो थक ही गया हूँ। ऊपर से यहाँ पर गांव के 4-5 बंदे आए, उन्होंने इसको घेरा, उसके बाद बहुत ट्राई की इसको पकड़ने की, पर फिर भी ये पकड़ा नहीं गया। फिर इसको पता था कि मैं यहाँ से भागा था, तो हमने प्लान बनाया कि इसे वापस उसी जगह पर लेके चलते हैं, फिर ये खुद केज के अंदर चला जाएगा। तो इसके लिए ये नई जगह है, तो भाई ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ लड़ूं या नहीं लड़ूं, तो वो एक्सेप्ट कर गया, भाग गया। पर भाई इसने बहुत रुला दिया था, मतलब इतना भगाया ना। तो गांव में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। तो वीडियो कैसे लगी, अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हिमाचल के और भी ब्लॉग देखना चाहते हो तो बने रहो चैनल के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।